दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। उत्तराखंड में महिला दिवस पर प्रकृति संरक्षण एवं संवर्धन अभियान संस्था के संस्थापक राजेंद्र जजेड़ी द्वारा महाविद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में आए उत्तराखंड के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट अरविंद वर्मा के कर कमलों द्वारा महिला दिवस पर 50 शिक्षिकाओं को सम्मान पत्र देकर उनको सम्मानित किया गया। आज एक संस्था है जो प्रकृति संरक्षण एवं संवर्धन अभियान संस्था, जिसके अध्यक्ष है संस्थापक जो राजेंद्र जजेड़ी जी है, जो एपीजे अब्दुल कलाम के उससे सम्मानित हो रहे हैं। हम इनसे पता करेंगे जो आज इनके द्वारा एक सम्मान महिलाओं को महिला दिवस पर एक सम्मान समारोह रखा गया था, ये इनको ये प्रेरणा किस उससे मिली हुई। जी बताइए, जो आज आपकी संस्था द्वारा एक कहते महिला दिवस पर एक प्रोग्राम रखा गया था, ये तो ये प्रोग्राम किस को लेकर आपको ये प्रोग्राम रखा गया आपकी संस्था द्वारा? एक्चुअल में हमारी संस्था प्राकृतिक संरक्षण संवर्धन अभियान विगत 10 सालों से लैसडोन वन प्रभाग के नज़दीक हमारा ग्राम है, गांव लालपानी, आज वार्ड नंबर 3 उसे कहते हैं। हमारे यहाँ बहनों के द्वारा, मात शक्ति के द्वारा जंगल में जाकर वनों को काटा जाता था। प्रति ईयर जिस प्रकार से फॉरेस्ट के द्वारा केंद्र प्रदेश सरकार के द्वारा और प्लांटेशन होता था और बहनें वहाँ जाकर अननेसेसरी उस पौधे को काटती थी, हमने उनको अवेयरनेस बताई कि भाई ये जंगल भी बचेगा, प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा जो फंडिंग हो रही है प्लांट लगाने की, ये भी बचेंगे और पौधा भी खिलेगा। उनके लिए हमने जो बहनों के लिए एक निःशुल्क सिलाई सेंटर खोला और लगभग हमारे पास 300 एडमिशन वहाँ हुए, और एडमिशनों को जब देखा तो उन्होंने अपनी सिलाई कटाई बुनाई सब सीखी। उसके बाद वो जो बाहर सिलाने जाते थे कपड़ों को, वो सिलाना बंद कर दिया, अपने घर के गरीब लोगों उन्होंने सिलना शुरू किया, अपनी आजीविका चलानी शुरू कर दी। फिर हमने उनके बाद उनको हमने गैस सिलेंडर दिए, उसके बाद गैस में सब्सिडी दी, तो बहुत ज़बरदस्त जुड़ा हुआ। और इतनी बड़ी उस मातृशक्ति की कृपा करी, इंटरनेशनल मुझे 25 कंट्री में एक अवार्ड और 15 कंट्री में एक अवार्ड, और एक अवार्ड का नाम इसमें लिखा कि भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इस मातृशक्ति की बदौलत यह अवार्ड मुझे पाने का सौभाग्य हुआ। आज लगा अचानक हमारे वर्मा जी ने कहा कि जजड़ी जी यार वुमन पे कुछ आज कार्यक्रम होना चाहिए, तो आपका एक विवेक था कि उसने कहा भाई अच्छा कि डिग्री कॉलेज में कर लेते हैं इस कार्यक्रम को, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। और हमारा बड़ा सौभाग्य है, इस देश के प्रथम डीलिट जिला पौड़ी गढ़वाल में जो जन्मे डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल, आज उस कॉलेज में उस कैंपस में आने के बाद हमको यह कार्यक्रम करने का अवसर मिला। और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं कि मुख्य अतिथि महोदय ने जीरो हावर में इस बात को माना और अपनी कोटों को छोड़कर आज इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुए। वहीं बहन पंवार जी से, प्राचार्य पंवार जी से बातचीत करी, उन्होंने बहुत जीरो हावर में कहा कि आइए जजड़ी जी, जबकि आज टेस्ट भी बच्चों को चल रहे थे, और सूक्ष्म में बहुत तेजी से बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया। मातृशक्ति को नमन प्रणाम, जय उत्तराखंड, जय भारत। ये थे हमारे साथ में संस्था के अध्यक्ष राजेंद्र जजेड़ी जी, ऐसे आज मुख्य अतिथि के रूप में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट अरविंद वर्मा जी थे। अरविंद वर्मा जी से जानेंगे कि ये जो संस्था के उसमें आपको मुख्य अतिथि के रूप में आज आपको बुलाया गया था, तो किस हिसाब से आप ये देख रहे हैं? देखिए सब, कोई भी बच्चा यदि जन्म लेता है तो सबसे पहले उसके मुँह से जो आवाज़ निकलती है, शब्द निकलता है, वो होती है माँ। और ये सभी जो महिलाएं हैं हमारी माँ बहन स्वरूप हैं, और हमें अगर दुनिया में लाई हैं तो इन्हीं का श्रेय है। अगर माँ नहीं होगी, बहन नहीं होगी, तो शायद किसी भी पति की या पिता की या भाई की कल्पना नहीं कर सकते आप। तो दुनिया की अगर संरचना किसी ने की है तो वो माँ ने की है, और वो माँ हमारी माँ बहन बेटी हैं, माँ हैं, और इसीलिए आज हम उन्हें सम्मान देने आए थे महिला दिवस पर। और आज जो संस्था है ये प्राकृतिक संरक्षण एवं संवर्धन अभियान संस्था, जिसके जो सचिव और अध्यक्ष हैं हमारे राजेंद्र जजेड़ी जी, उन्होंने मेरे को आज इस सम्मान समारोह में बुलाया और कहा कि आप बतौर अतिथि आ रहे हैं, तो मेरा दिल भी गदगद हो गया और मैंने सहज स्वीकार किया उनके आवेदन को, और मैं अपना कोर्ट का काम छोड़ के आज डिग्री कॉलेज में आया हूँ। और मेरा बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मैंने उन शिक्षिकाओं को या इस जो विद्यालय में महाविद्यालय में पढ़ाने वाली जितनी भी टीचर्स हैं या प्रिंसिपल हैं, उनके साथ उनको सम्मान दिया और एक उनको इस महिला दिवस पर बधाई दी। और चूंकि मैं भी इसी महाविद्यालय का छात्र रहा हूँ, तो उससे ज़्यादा मुझे और गौरव महसूस हुआ कि मेरे अपने जो महाविद्यालय जिसमें मैं पढ़कर निकला हूँ, वहाँ मुझे बतौर मुख्य अतिथि आने का मौका मिला। मैं पुनः पूरे प्रदेश की, पूरे देश की व पूरे विश्व की महिलाओं को आज इस महिला दिवस पर बहुत बहुत दिल की गहराइयों से
बधाई देता हूँ। देखते रहिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल, मैं नितिन शर्मा कोटद्वार से।